रचन सुसमाचार चार अध्याय का 38वां वचन। वह आराधनालय में से उठकर साइमन के घर में गया और साइमन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उसे विनती की। पत्रस जो है वो बैतसाइदा शहर का था। प्रभु यीशु नाजरत को छोड़कर यहाँ कपरनहूम को राजधानी बनाकर वहाँ उन्होंने सेवकाई की, इसलिए पत्रस अंद्रियास जो है अपने घर को बैतनिया छोड़कर कपरनहूम में बदल दिया। ये लोग परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर से प्रेम करने वाले उन्हीं के परिवार में ही पत्रस की सासू माँ को झर छड़ा हुआ वो परेशान थी। अपने अनुकरण करने वाले अपने से जो प्रेम करते हैं ऐसे परिवारों को प्रभु यीशु कभी भी नहीं त्यागता है। पत्रस की सासू माँ को चंगाई करने के द्वारा परमेश्वर उस परिवार को आदर और सम्मान को दिखाया। यहाँ पत्रस को देखिए, सासू माँ को वो चंगाई किया, इसका मतलब जो है पत्रस शादीशुदा एक परिवार को चलाने वाला एक अगुवा था। पत्रस की पत्नी थी और पत्रस को सासू माँ भी थी। उस भाई का अंद्रेया का घर करके यहाँ पर देखते, इसका मतलब उसका भाई भी था और यूहन्ना याकूब ऐसे मित्र भी पत्रस के साथ रहे। वो उठ के यीशु की सेवा की, इसके मतलब उस घर में खाने पीने की सारी वस्तुएं भी वहां था। इसलिए वहां पर देखिए पत्नी है, पति है, सासू माँ है और बहुत दोस्त है। खिलाने पिलाने के लिए सारी सुविधा भी वहां पर था। एक परिवार को चलाने के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए थी वो सारी चीज वहां उपलब्ध थी। इसलिए वहां पर यीशु प्रवेश किया। और एक बात को मैं यहाँ बतलाने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु परिवार को आदर और सम्मान करता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा में सबसे पहले अद्भुत काम कहाँ किया था? कनाऊर की शादी के घर में किया। इस दुनिया में परमेश्वर परिवार को रखा, परिवार के द्वारा प्रभु जो है आदर और सम्मान को देना चाहता था। इसके मतलब परिवारों को यीशु प्रेम करता है। उस घर के अंदर यीशु वहां प्रवेश किया। इस वचन को सुनने वाले प्रभु आपसे कहता है, आपसे प्रेम करने के लिए यीशु आज चले आया है। आपके घर में यीशु शांति देने के लिए आया। क्या आपको काम नहीं है? क्या आप परेशान हैं? क्या आपके परिवार में इतना क्लेश हो गया? क्या आपके बच्चे आपकी बातों को ना सुनते हैं? क्या आज आप चिंता के साथ हैं? इसलिए प्रभु आपसे कहना चाहता है, परिवारों को प्रेम करता है, परिवारों को आशीष देने वाला है यीशु मसीह। आपको उन्नति देने के लिए यीशु आज चले आया। प्रभु यीशु कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया।